गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप मेरी आवाज आप लोग को सुनाई पड़ रही है। अगर मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो प्लीज अपना हैंड रेस करें, एक बार तो कंफर्म हो जाएगा हम लोग का कनेक्टिविटी का। राइट, अपना हैंड लो डाउन कर लीजिए, मैं कर देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा आज हमारे सारे डॉक्टर्स को, जिन्होंने आज तैयार हो गए इनके जवाब देने के लिए। दे आर ऑल्सो ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो हम लोग काफी एक्साइटेड हैं इनको लेके कि आज हम लोग सारे सवाल जवाब करेंगे। तो मैंने दो मिनट पहले इसलिए स्टार्ट किया कि कुछ रूल्स आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग जूम में हैं वो अपना वीडियो को ऑफ रखेंगे एक्सेप्ट स्पीकर्स। स्पीकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने वीडियो ऑन कर ले, वीडियो को ऑन कर ले, स्पीकर्स अपने वीडियो ऑन कर ले और केवल अनम्यूट करे अपने ऑडियो को तभी जब आपको बोलना है, तो आप पूरे स्क्रीन में तभी आएंगे। तो इस चीज का हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वी आर नॉट प्रोफेशनल, बट हमारा कोशिश यही है कि हम वो चीज आपके सामने दे पाए जो आप सुनना चाहते हैं। और आज पूरा प्रोग्राम ये न्यूट्रिशंस के ऊपर है, टाइम भी हो रहा है, तो हम लोग यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। आज हमारे बीच चार डॉक्टर स्पीकर्स हैं जो आपको बताएंगे कि वाई न्यूट्रिशन एंड वाई न्यूट्रलाइट। तो इसी पे हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आयर्स हैं जो हम लोग इनके सामने रखेंगे और इन लोग उसका जवाब देंगे, साथ में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूं और डॉक्टर मनीष आपसे मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा सा, आप लोग अपना अपना परिचय वन बाय वन अपना परिचय दें। हियर इज डॉक्टर मनीष। सो मायसेल्फ डॉक्टर मनीष सिंह, बेसिकली आई एम ए न्यूरोलॉजिस्ट। सो पहले एमडी मेडिसिन किया, फिर डीएम न्यूरोलॉजी यहीं लखनऊ से, केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। फिर 11 इयर्स मैंने यहाँ जॉब किया एंड आई रिजाइन एज ए प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी फ्रॉम दिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। अभी आई एम कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर योगेश। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर योगेश। Currently, I am practicing in Lucknow for the last 25 years. Initially, मैंने जॉब किया, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में था मैं, फिर फुल टाइम फुल फ्लेज प्रैक्टिस करने लगा हूँ और पिछले 25 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर शैलेंद्र। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र और मैं 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ। मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और इस समय एमवे में सफायर भी हूँ। और 20 साल से प्रैक्टिस करने के दौरान मेरा जो सपना था क्लिनिक को चैरिटेबल करने का, वो 15 साल पहले पूरा हो चुका है दोस्तों। थैंक यू टू दिस बिजनेस एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। थैंक यू डॉक्टर शैलेन। डॉक्टर मंजू दीक्षित जी। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मंजू दीक्षित, गायनेकोलॉजिस्ट। और मेरा अपना नर्सिंग होम है लखनऊ आशियाना में और आलमबाग में भी नर्सिंग होम है और हम लोग प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। डॉक्टर आपका साउंड थोड़ा स्लो है, धीमे है। डॉक्टर मंजू दीक्षित, आपका साउंड को थोड़ा सा करीब से बोलिएगा जिससे लोग इसका जवाब सही सुन पाए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन से लेके। और फर्स्ट क्वेश्चन मेरा डॉक्टर मनीष से ही रहेंगे कि आज के डेट में न्यूट्रिशंस क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि मैं रोजाना फल सब्जी लेता हूं, मुझे लगता है कि मैं फिट हूं, यंग हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं योगा करता हूं, जिम जाता हूं, एक्सरसाइज भी करता हूं, बैलेंस डाइट भी लेता हूं, तो मुझे न्यूट्रिशन का क्यों जरूरत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो डॉक्टर मनीष। सो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका जो हेल्थ है दैट इज पैरामाउंट। और इस टाइम आपके पास जो सिचुएशन है उसमें तो ये बहुत अच्छे तरह समझ में आ रहा है। सो सवाल ये उठता है कि जब इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं या हमको कॉमन कोल्ड क्यों हो रहा है, सबको क्यों नहीं होता है, सबको इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं परेशान करती हैं। सो ऐसे सवाल मेरे भी दिमाग में आते थे और इतना बिजी प्रोफेशनल होने के बावजूद और इतने सारे तरह तरह के विटामिन्स खाने के बावजूद हम लोग बीमार रहते थे। तो वहाँ से समझ में आया कि न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट हेल्थ इन्वेस्टमेंट। जैसे आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, 30 साल की 60 साल में आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, वैसे ही न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट
आप शरीर को वो सब देते हैं जो शरीर की जरूरत है और आप नहीं दे पा रहे हैं पूर्ण मात्रा में, जिससे वो अपना ध्यान रख सके और लंबे समय तक आपका हेल्थ इन्वेस्टमेंट हो सके, जिससे 60 साल में आपके घुटने दर्द ना करें और आपका शरीर जो अच्छा रहे। सो जब कोई ये सवाल पूछता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। पहला तो मेरे को लगता है कि अगर ये इतना कुछ खा रहा है मतलब हेल्थ कॉन्शियस है, तो इनसे बात की जा सकती है। और दूसरा कि मेरे को समझ में आता है कि अभी इनको न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि हमको भी नहीं थी, डॉक्टर्स होते हुए भी न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं सबसे पहले उनसे पूछने की, जानने की कोशिश करता हूँ कि खाते क्या है। तो मैं उनसे एक डाइट चार्ट बनाने को कहता हूँ कि भाई आप दिन भर का बताओ, आप खा क्या रहे हो, बना के दिखाओ। और फिर हम उनसे डिस्कशन करते हैं कि जरूरत क्या है, जरूरत कितनी है और हम आपको मिल कितना रहा है। तो जब तक हम लोगों को उनकी जरूरत को समझाएंगे नहीं, उनको ये बताएंगे नहीं कि जो आप खा रहे हो ठीक है बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को जरूरत है और आप खाने से पूरा नहीं कर पा रहे। और इसमें एक ये बहुत अच्छा पैम्फलेट भी है, ये ऑनलाइन भी है, आप लोग रिसोर्सेज एंड डाउनलोड से एमवे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं कि सो यू थिंक यू आर ईटिंग राइट। सो ये आप उनके सामने रख सकते हैं जब उनका डाइट चार्ट बन जाए कि देखिए आपने ये लिखा बट इसमें क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो ये मल्टीविटामिन्स लिखे गए हैं और डेली में जो ओमेगा में सब चीजें हैं उतना आप खा पा रहे हैं, क्या प्रोटीन आप खा पा रहे हैं। सो हमको उनका जो है नीड निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नो हम खा रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, बट सिंपल से आप उनसे सवाल पूछ दें कि प्रोटीन में क्या खाते हैं, तो कुछ कुछ बोलेंगे, जैसे एक कटोरी दाल है ना, या दिन में 3 बार एक कटोरी भी दाल खाएंगे तो भी। और यहाँ पे हमारी तरफ तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमको भी होना चाहिए। हम उनसे पूछते हैं कि ज्यादातर कौन सी दाल खाते हैं, तो हमारी तरफ अरहर की दाल होती है। अब अरहर की दाल में तो बहुत कम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपको हमको पहले थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, फिर उनसे डिस्कशन करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे वो खा क्या रहे हैं, फिर उसी में से उनकी नीड निकल के सामने आ जाती है। मिस्टर बोस, थैंक यू, थैंक यू। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव से। मुझे लगता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा होम रेमेडी सही है, क्योंकि आप होम्योपैथी से है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। मेरा होम रेमेडी सही है, घर में बनाए गए सारी हेल्दी चीजें ही मुझे लगता है सही है, अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शैलेंद्र, या दोस्तों नमस्कार, इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई घर में तो मैं सब दवा लेता हूँ, न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार जो हम घर में ले रहे हैं क्या वो पर्याप्त है। जैसे कि डॉक्टर मनीष ने भी बोला कि हमें भी आज से 30 साल पहले अगर कोई पूछा जाता तो मैं कहता कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे खाने की थाली में तमाम न्यूट्रिशन होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी खाना बनता था वो अच्छा बनता था, न्यूट्रिशियस बनता था, हमारी मिट्टी में ताकत थी, क्रॉप रोटेशन होता था, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज किए जाते थे। लेकिन इस समय दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा निश्चित तौर पर जरूरत है। अभी रिसेंटली मैं एक टीवी रिपोर्ट देख रहा था मिस्टर सुधीर की, आपका जी टीवी में, उसमें ये निकल के आया कि हमारी जो भारतीय खाने की थाली है 40% तक न्यूट्रिशन कम हो चुका है दोस्तों। तो अंदाजा करिए कि जब 40% न्यूट्रिशन कम हो गया है तो हमें जरूरत ही नहीं। अभी रिसेंटली अखबार में मैंने पढ़ा अभी कुछ महीने पहले कि एक कहावत है, 1 apple a day makes a doctor away। लेकिन CMS में बच्चों के साथ जो एप्पल आया था उसको टेस्ट किया गया, उसमें 40% पेस्टिसाइड पाए गए। तो दोस्तों मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अगर वो एप्पल आप खाएंगे तो इट विल मेक ए डॉक्टर अवे और नियरर, ये आपको सोचना पड़ेगा। और इसी वजह से दोस्तों हमें यह देखना है कि हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो भी कुछ ले रहे हैं, क्या उसमें उतनी ताकत है। अगर मैं न्यूट्रलाइट की बात करूं, यानी खुद के फार्म हाउसेस हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से चीजों को उगा पाते हैं और सही मौसम में उगा पाते हैं, राइट प्रोसेस से उगा पाते हैं, और साथ में इनकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें उगा पाते हैं। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा बहुत ही खास, जो न्यूट्रलाइट को अलग करता है ये सब चीजों से, इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दोस्तों अगर आप मार्केट से कोई फल भी लेके आएंगे तो वो मार्केट से फल घर आते या फ्रिज में रहते रहते उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फाइटोन्यूट्रिएंट केवल 24 घंटे तक ही रहते हैं, राइट। लेकिन जो एनपीके न्यूट्रलाइज जो फॉर्म्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फार्म हाउस के बिल्कुल बगल में है,
तो इधर फल तोड़ा गया, उधर 24 घंटे के अंदर वो टेबलेट फॉर्म में आ गया, उसमें न्यूट्रलाइट लॉक लग गया जिससे कि फाइटोन्यूट्रिएंट उसमें लॉक हो गया। तो आप खाते हैं तो एकदम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको पता है जिसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है दोस्तों। थैंक यू डॉक्टर। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर योगेश से, ही इज ए ऑर्थोपेडिक, तो कैल्शियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के आते हैं, इनको लेके बहुत सारी मिथ है डॉक्टर साहब। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं रोज दूध पीता हूँ, मुझे लगता है मेरा ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, मुझे अलग से कैल्शियम लेने की क्या जरूरत है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कैल्शियम लेने से स्टोन बनता है, शरीर में कई जगह कैल्शियम जमा हो जाती है, कैल्शियम सूट नहीं करता है, कैल्शियम लेने से पेट खराब होता है, शरीर भी फूल जाता है, और शायद मुझे लगता है कि मेरा कैल्शियम से एलर्जी भी है। तो इस तरीके से तमाम बहुत सारे मिथ है कैल्शियम को लेके, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर योगेश? यस सर, सबसे पहले तो ये है कि हम दूध अगर पी रहे हैं तो कितना पी रहे हैं, पहली चीज ये कि कितने लोग दूध पी रहे हैं, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में पी रहे हैं, कितने ग्लास पर डे पीते हैं, एक गिलास दो गिलास। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 5-10% लोग ही दूध पीते होंगे, वो भी जो 5-10% लोग दूध पी रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में पी रहे हैं, डेली पी रहे हैं, उसमें सफिशियंट अमाउंट चीज कर्ड का है कि नहीं, ठीक है, पहली चीज ये। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो डेफिशिएंट है कैल्शियम की। सेकंड चीज ये है कि कैल्शियम लेने से स्टोन बनता है, ऐसा नहीं है। कुछ कैल्शियम ऐसे हैं स्टोन फॉर्मेशन का, जहां तक कहा जाए कि स्टोन फॉर्मेशन एक टेंडेंसी होती है हमारी बॉडी में, है ना, हम अगर कैल्शियम नहीं भी ले रहे हैं तो हो सकता है स्टोन बन हमारी बॉडी में। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज से 20-25 साल पहले मेरे को स्टोन 3 बार बन चुका है, मैं उसमें कैल्शियम नहीं लेता था, लेकिन जब से मैं ये कैल्शियम लेना मैंने शुरू किया मुझे कोई स्टोन की प्रॉब्लम नहीं हुई। इट मींस इसका मतलब साफ ये हुआ कि उस समय जो मुझे स्टोन हुआ वो बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर, जहां मैं रहता था, मैं झांसी में रहता था वहां मुझे स्टोन हुआ था। यहाँ पे आके जब मैंने स्टार्ट किया अपना कैल्मैग डी प्लस लेना शुरू किया मुझे कोई स्टोन प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक नेचुरल कैल्शियम ले रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस क्वालिटी का कैल्शियम ले रहे हैं, नेचुरल है, सिंथेटिक कैल्शियम है, ठीक है, तो ये चीज मैटर करता है स्टोन फॉर्मेशन में। और एक्सेस वाली जहां तक बात है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस सर कभी नहीं रहता, वो डेफिशिएंट ही रहता है। फिर भी पेशेंट को कन्विंस करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए उनकी भी एक बार कई बार बात रखनी पड़ती है। तो मैं तो जनरली उनको यही ओपीडी में अपने एडवाइस करता हूँ, आप ऐसा करो, आपके दिमाग में अगर ये चीज है, वैसे तो एक्सेस नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सेस हो भी रहा है, आप ये अगर मान रहे हो, तो आप हफ्ते में 6 दिन लो, संडे आप कैल्शियम ना लो, ठीक है, लेकिन आप एक लंबा गैप ना करो। ये नहीं आपने महीने भर लिया कैल्शियम, फिर 6 महीना गैप कर दिया, आपकी मैंने 1 महीने तो खा लिया कैल्शियम, 1 महीने में कोई डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती है। तो हमें कैल्शियम स्टोर अपना आगे अपने ग्रोथ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, प्लस आगे आने वाले टाइम में एज जैसे जैसे बढ़ती है, एक स्टोर हमें बना के रखना पड़ेगा। बोन्स में ही स्टोर होता है कैल्शियम का, जो कि धीरे धीरे हम उससे लेते हैं जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है। अगर कैल्शियम डेफिशिएंट हमारी बॉडी में रहेगा तो बोन्स हमारी फ्रेजाइल हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, इसलिए कैल्शियम लेना इज मस्ट। और सबसे बड़ी बात है कैल्शियम के कई ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हर ब्रांड की कितनी बायो अवेलेबिलिटी है, कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा नेचुरल है। हम जो इस समय एट प्रेजेंट खा रहे हैं कैल्मैग डी प्लस, उसका मोर देन 90% बायो अवेलेबल कैल्शियम है। उसके साथ एडवांटेज हमें और भी कुछ मिल रहे हैं, विटामिन डी, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में गट से भी, प्लस बोन के एब्जॉर्प्शन में, सेल्स जहाँ बोन सेल्स होती है वहां से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन सेल्स तक ले जाता है। तो कई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, तो कैल्शियम डिफरेंट होता है, ठीक, कैल्शियम। थैंक यू डॉक्टर साहब, और बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया इस चीज का। और अब गायनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो मैं डॉक्टर मंजू दीक्षित से कहूंगा कि ये वो अपना ऑडियो ऑन कर ले, और उनसे जो सवाल है, और आज के डेट में प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं होता है, और लोग इसको लेके काफी सीरियस भी रहते हैं, इसको बहुत ही इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो एक सवाल जो बहुत ही कॉमन सा आता है कि मेरी वाइफ, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और अभी 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने हो चुका है, जब हम लोग उनसे बात करते हैं न्यूट्रिशन को लेके, तो वो कहते हैं
कि नहीं मुझे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है हमको यही देना चाहिए, मुझे न्यूट्रीलाइट क्यों लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कौन कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सपोज अभी 2 महीने हुए या 3 महीने हुआ तो यहाँ कहाँ क्या क्या लेना चाहिए। डॉक्टर मंजू दीक्षित, नमस्कार एवरीवन। एक्चुअली में क्या है कि जब 2-3 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है तो उस समय ज्यादातर पेशेंट्स को वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग में क्या है उनकी डाइट जो है वो कुछ नहीं खा पाते हैं, कुछ भी नहीं ले पाते हैं। आपका साउंड थोड़ा धीमे है, इसको थोड़ा तेज कर लेंगे, करीब से बोलेंगे साउंड। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी हम लोग खाते हैं वो वॉमिटिंग हो जाता है, आ रहा है आवाज मेरा? हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज धीमे है केवल। दौरान जो भी हम कुछ खाते हैं 2-3 महीने की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें ज्यादातर पेशेंट जो है वो कुछ खा नहीं पाते हैं और उनको वॉमिटिंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो उनको न्यूट्रिशन भी कायदे से नहीं मिल पाता है, मतलब जिसको बोलना चाहिए घर की भी जो चीजें खाते हैं वो भी वॉमिट कर देते हैं। तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि जो है आप इस समय उनको हम ऑल प्लान प्रोटीन, जैसे वो वॉमिट कर रहे हैं तो कम से कम रोटी तो खाते ही होंगे, किसी ना किसी तरीके से रोटी में उनको दें, और नेचुरल बी विद द यीस्ट हम लोगों को सजेस्ट करते हैं क्योंकि मल्टीविटामिन में हम लोगों को नेचुरल बी देते हैं, तो नेचुरल बी विद द यीस्ट उनको देते हैं, और कहना चाहिए कि ये सप्लीमेंट के तौर पर उनका शुरू कर देते हैं। बाकी एमवे में फ्रूट जूसेस वगैरह अगर ज़्यादा उनको कमजोरी लग रही है तो हम लोग कहते हैं कि आप फ्रूट जूसेस वगैरह अगर ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है तो आप वो लें दवाई के साथ में, ताकि जो है कम 3 मंथ जो उस टाइम ऐसा होता है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो उस समय अगर आप 3 महीने तक कुछ भी नहीं लेंगे, घर का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो उस समय सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस समय आप सप्लीमेंट्स को किसी भी तरीके से प्रोटीन को जिस तरह से भी आप जो भी ले पा रहे हैं उसमें ऐड ऑन करके लें, और साथ में नेचुरल बी विटामिन वगैरह साथ में लें, हम 3 मंथ्स तक तो यही सजेस्ट करते हैं। हेलो हेलो ठीक है डॉक्टर मंजू दीक्षित, आप अपना साउंड को थोड़ा सर सही कर लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपका साउंड तैयार हो जाए, थोड़ा करीब से बोले। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ डॉक्टर मनीष का, मनीष जी के पास, और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है जब हम लोग इसको लेके बात करते हैं कि मैं डॉक्टर के कहने पर ही विटामिन सप्लीमेंट लेता हूँ, मुझे न्यूट्रीलाइट क्यों लेना चाहिए? डॉक्टर साहब आपका अनम्यूट करना होगा साउंड। या हो गया। सो डॉक्टर के कहने पे अधिकतर लोग सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, ये समझना जरूरी है क्योंकि डॉक्टर्स को भी सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा कमी ज्ञान होता है। ठीक है, डॉक्टर्स के कहने पे ज्यादातर लोग विटामिंस लेते हैं कुछ बीमारी के दौरान। ठीक है, बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत कैल्शियम लेते हैं, या बहुत रेयर कुछ लोग होते हैं जो लंबे समय तक डॉक्टर के कहने पे कुछ विटामिन्स खाते रहते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगेन मैं ये कहूँगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको यू नो प्रॉपर नॉलेज से अवगत कराएं। सो उनसे पूछते हैं ऐसे ही कि आप सप्लीमेंट्स के रूप में खाते क्या क्या हैं। ठीक है, या उनसे पूछ सकते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो आप सेहत के लिए अच्छा हैं, जो डॉक्टर से हर चीज को पूछते हैं क्या? क्या आप सेब खाते समय भी डॉक्टर से पूछ रहे हैं, या बाकी ड्राई फ्रूट्स खाते समय भी डॉक्टर से पूछते हैं क्या? तो अगर वो पूछते हैं कि नहीं, तो हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा फिर आप ये क्यों खाते हैं? तो कहते हैं अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए खाते हैं। तो फिर उनको ये जानकारी देते हैं कि दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स में फर्क क्या होता है। ठीक है, अधिकतर लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि उनके शरीर के लिए जरूरी क्या है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग डॉक्टर से पूछेंगे कि प्रोटीन खाना चाहिए कि नहीं, तो डॉक्टर कहेंगे नहीं खाने में अच्छा खासा मिल रहा है खाओ, क्योंकि हम भी ऐसे ही बोलते थे पहले, तो उनसे कहते थे कि विटामिन्स खाना चाहिए कि नहीं, तो डॉक्टर अधिकतर कहते हैं कि नहीं नहीं सब हरी सब्जियां फल फूल खाओ। किसी कहते हैं कि हमारे आयरन की कमी हो गई थी, डॉक्टर कहते हैं कि आयरन नहीं, अरे हरी सब्जियां खाओ। अभी हमको भी थोड़ा सा कम मालूम होता है कि हरी सारी हरी सब्जियों में आयरन उतना नहीं होता। ठीक है, या
अब प्रोटीन के सोर्स क्या है ये भी अगर हम किसी डॉक्टर से पूछे थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन अगर ले भी रहे हैं तो क्या सारे अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, ठीक है, क्या जरूरत के हिसाब से हम ले रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, पूछना जरूरी है कि भाई डॉक्टर ने आपको क्या सप्लीमेंट्स एडवाइस किए, आप पूछ लीजिए उनसे, तो कहेंगे हमको कुछ विटामिन्स एडवाइस किए। अच्छा उनसे पूछिए, अच्छा आपके डॉक्टर ने आपको प्रोटीन भी एडवाइस किया है, तो बोलेंगे नहीं हमारे डॉक्टर ने प्रोटीन तो एडवाइस नहीं किया, अधिकतर लोग ऐसे बोले। तो फिर आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं, सवाल ही जवाब में ये करना चाहिए, ठीक है। तो पूछेंगे नहीं प्रोटीन के लिए हम ये खाते हैं, तो फिर उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको निकाल के उनको बताना चाहिए कि सपोज कोई 165 सेंटीमीटर का मेल है तो 165 माइनस 100 दैट इज 65 ग्राम आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है शरीर में। तो उनको मोटा मोटा बताते हैं कि भाई देखो आप जो है 3 कटोरी दाल, 6 रोटी, 2 ग्लास दूध पी रहे हो तो बहुत मुश्किल से 15-20 ग्राम हो रहा है आपका। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम उनसे पूछें कि वो क्या खा रहे हैं। कई बार होता है कि हम उनसे भिड़ जाते हैं कि नहीं जो डॉक्टर ने बताया है वो ठीक नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो सही है। ऐसे नहीं करिए, उनसे जानकारी लीजिए, उनसे पूछिए कि डॉक्टर ने क्या बताया, और फिर आप अपने सवाल करिए, अच्छा आप ओमेगा पूरा करने के लिए क्या खाते हैं। बोलेंगे ओमेगा क्या होता है, अधिकतर लोग पूछेंगे ओमेगा क्या होता है, बोले अच्छा ये एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो शरीर नहीं बनाता है और जो हमको बाहर से देना पड़ता है। तो नॉलेज का इम्पार्ट करना बहुत जरूरी है, तो हमको उनकी नीड को निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम उनकी नीड निकाल देंगे और फिर उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो उनको मालूम चलेगा। तो थोड़ा सा नॉलेज भी हमको होना चाहिए, जैसे ओमेगा है, हम लोग बहुत पूछते हैं कि नहीं हम तो अलसी खाते हैं, तिल खाते हैं, डॉक्टर ने कहा है अखरोट खाओ, तो हम उनसे पूछते हैं, पूछ सकते हैं अच्छा अखरोट में ऐसा क्या होता है कि जो डॉक्टर ने आपको खाने के लिए बताया, सवाल ही जवाब करिए। तो वो बोलेंगे नहीं इसमें ओमेगा 3 होता है, तो बोले कि अच्छा ठीक है आपको मालूम है कि जो वेजिटेरियन सोर्स होता है उसमें ALA होता है, उसको EPA DHA कन्वर्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, और हार्ट के लिए आप ले रहे हैं तो कम से कम 1000 मिलीग्राम जो है EPA प्लस DHA का कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए। तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आप उनसे शेयर करेंगे, जो वो खा रहे हैं उसको बंद मत करिए, बट आप अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि डॉक्टर ने जो बताया वो ठीक है, बट सप्लीमेंट अलग से लेना बहुत जरूरी है जिससे हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सकें। थैंक यू। पार्थो जी, हेलो, हेलो पार्थो जी, लगता है कि कहीं अच्छा बिजी हो गए। सो ऐसा हमको भी लगता था, यू नो हम लोग एज ए डॉक्टर्स इतने वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं, हर दूसरे दिन सिट्रिजिन खाना, सर्दी बुखार जुकाम पैरासिटामोल खाना, डॉक्टर योगेश भी आपको बताएंगे कितना पैरासिटामोल खाते थे। तो हम लोग के पैरासिटामोल जेब में होती है, ठीक। तो होता इसीलिए था क्योंकि शरीर को हम वो चीज़ नहीं दे रहे थे जो शरीर अपना ध्यान रख सके, दैट वॉज सप्लीमेंट्स। तो जब हमको समझ में आया कि भैया शरीर को दवाइयों से नहीं चलाना है, खाने से चलाना है, और खाना हम पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स लेना हमारी चॉइस नहीं है, इट्स ए जरूरी है कि हम अपने को शरीर को अच्छा रख सके, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ऐड आता है 60 साल के बाद दुनिया देखेंगे, कई लोगों को 60 साल के बाद वॉशरूम जाने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, जोड़ नहीं काम कर रहे हैं, हार्ट नहीं गड़बड़ हो गया, याददाश्त भी गड़बड़ हो गई, जाना कहाँ था। तो सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हैं, जितना जल्दी लेना शुरू करेंगे शरीर में उतना अच्छा आपके हेल्थ डेवलपमेंट होगा और लॉन्ग टर्म में आपके लिए हेल्थ इन्वेस्टमेंट होगा। थैंक यू पार्थो जी, होपफुली आ गए होंगे। हाँ थैंक यू, और बहुत बढ़िया आपका ये क्वेश्चंस के जवाब रहे, और बाकी में ऐसा होता है हम लोग देखिए 60 हो गया लेकिन हम लोग फिट हैं। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर शैलेंद्र से, और डायबिटिक से रिलेटेड, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और हर घर में मिलता है और बड़े आराम से पाए जाते हैं ये चीज। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं दवाई ले रहा हूँ, क्या इसके साथ मुझे सप्लीमेंट भी लेना चाहिए, क्या मधुनाशिनी, खास करके जब इसकी बात होती है तो क्या मैं इसके साथ भी ले सकता हूँ, क्या मधुनाशिनी लेने से मुझे बाकी इंसुलिन वगैरह नहीं लेना पड़ेगा,
या उसको मैं बंद कर दूंगा या पूरा ठीक हो जाएगा, इस टाइप का एक जवाब आता है। डॉक्टर शैलेंद्र। या दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पेशेंट्स पूछते हैं आके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मेन चीज है दवाएं क्या करती हैं, दवाएं आपके बीमारी को ट्रीट करती हैं, लेकिन जो न्यूट्रलाइट है या जो सप्लीमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को काफी हद तक बढ़ाते हैं। समझिएगा दोनों में अंतर, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जो दवाएं होती हैं वो बीमारी पे काम करती हैं, लेकिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, राइट? अगर दो मिनट के लिए आप दवा ना भी लें तो भी काफी बीमारियों को हमारी बॉडी जो है वो मेकअप कर लेती है। वो क्यों कर लेती है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस पैथोजन को हटा देता है, भगा देता है आप कह सकते हैं। तो इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अब बात आ रही है मधुनाशिनी की। दोस्तों, ये जो न्यूक्लाइड का मधुनाशिनी है, ये मैंने प्रैक्टिस में काफी यूज किया है, और मैं आपको क्या बताऊं, अब तक एक भी पेशेंट ऐसा नहीं आया जिसने ये ना कहा डॉक्टर साहब बहुत फायदा मुझे नहीं हुआ। उसको इतना फायदा होता है, इनफैक्ट आपको क्या बताऊं कि जहां पे शुगर काफी हद तक बढ़ी हुई थी, मतलब इनफैक्ट 200-300 तक थी फास्टिंग, उनको भी बहुत ही आराम मिला है दवा लेने के साथ भी, और लोग जो कि प्री डायबिटिक थे उनको बहुत आराम मिला है, और खासतौर से उनको भी चाहिए जिनकी हिस्ट्री जो है, फैमिली हिस्ट्री जो है वो डायबिटीज की है। अब ये कैसे काम करेगी? सबसे पहले मधुनाशिनी के बारे में आपको बताऊं, मधुनाशिनी क्या करता है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, और इसके अलावा आपके पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है ज्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए। दूसरा जो चीज आती है, दैट इज शुंठी। शुंठी का जो मेन काम है, जो मेन पिन पॉइंट काम है, वो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना। आप जानते हैं मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा होता है, उसके कारण हमारा शुगर लेवल जो है काफी हद तक बढ़ जाता है। एक और पदार्थ है त्वक, ये सबसे बड़ी बात है, ये तो कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको वैसे ही बहुत सारी बीमारी से बचाता है, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है, और साथ में ये क्या करता है, लिपिड के लेवल को ऑप्टिमम रखता है, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करता है, और साथ में जो सेल्स में ग्लूकोज का जो कंजम्पशन होता है उसको ये बढ़ा देता है। तो जब कंजम्पशन सेल्स का बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट? तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये मधुनाशिनी जरूर लेनी चाहिए दवा के साथ भी, और अगर अभी आपने दवा नहीं शुरू करी है, अभी मान लीजिए आपका जस्ट शुरुआत हुई है, तो ये कमाल का रामबाण काम कर सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच, ओवर टू मिस्टर बोस। थैंक यू डॉक्टर शैलेन, और बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया, लोगों को इसका फायदे जरूर होंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर योगेश जी से, और क्योंकि इनका इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा रिलेट करते होंगे, हम लोग भी करते रहते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं प्रोटीन को लेके कि प्रोटीन अगर मैं रोज लूं तो मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, और हिंदुस्तान में हर आदमी ओवरवेट हो रहा, कम से कम पेट तो निकला ही हुआ है, तो मुझे क्या रोज लेना चाहिए, और खास करके प्रेगनेंसी में अगर मैं लेता हूं तो मेरा बच्चे का वेट भी तो नहीं बढ़ जाएगा? तो ये पहला क्वेश्चन मैं डॉक्टर योगेश से कहूंगा कि आप बताएं कि प्रोटीन लेने से क्या वेट बढ़ता है, या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं सर, ऐसा देखिए ये मिथ है, प्रोटीन लेने से वेट नहीं बढ़ता है ना। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट और फैट रिच डाइट जो हम लेते हैं उससे नॉर्मली वेट बढ़ता है ना। प्रोटीन एक हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है ना। अगर बिल्डिंग के ब्लॉक जो है वही कमजोर रहेंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल वीक रहेगी। तो वही जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया था अभी कि 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। दाल खाना, बाकी चीजें खाना, कुछ एमिनो एसिड्स हमने लिए, कुछ नहीं लिए, है ना। तो ये जो हम लोग ऑल प्लांट प्रोटीन यूज करते हैं पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, नॉर्मली ये देखा गया है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो अपनी डाइट में 25-30 मिलीग्राम प्रोटीन पर डे ही लेते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं वो 5-10 मिलीग्राम ज्यादा हो जाता होगा। अल्टीमेटली 60 किलो अगर मेरा वजन, तो 60 ग्राम प्रोटीन मुझे पर डे लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, और वेट बढ़ने का इससे कहीं कुछ ताल्लुक नहीं है, उल्टा ये हेल्पफुल है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, प्लस बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो सर वेट नहीं बढ़ता इससे नीचे। जी सर, जी सर, है ना, थैंक यू। और यही सेम सवाल मेरा डॉक्टर मंजू दीक्षित जी से भी है। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं, और ये आपके पास भी बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि मैं अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में प्रोटीन लेता रहूं तो मेरे बच्चे का वेट ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी?
एक्चुअली में क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान जो हम लोग प्रोटीन पेशेंट को, डॉक्टर मंजू दीक्षित आपको सुनाई पड़ रहा मेरी बात? हाँ आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस यस आ रही है, आ रही है, आप बताइए। प्रोटीन प्रेगनेंसी के दौरान जो हम प्रोटीन देते हैं तो वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में जब समझ लीजिए जस्ट 1.5 गुना हो जाती है। वैसे नॉर्मली हम 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन देते हैं, प्रेगनेंसी में करीबन 1.5 ग्राम 2 ग्राम के बीच में प्रोटीन पेशेंट को देना होता है पर केजी के हिसाब से। तो ओवरवेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता, बच्चे का भी ओवरवेट होने का सवाल नहीं उठता, और ना ही पेशेंट का वेट बढ़ने का सवाल होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पेशेंट प्रोटीन डेफिसिट होता है, वो नॉर्मल प्रोटीन भी अपना नहीं कंज्यूम करता है, तो उसको जो हम प्रोटीन देते हैं वो बल्कि कम ही होता है। इसलिए हमको उसको एडिशनली बताना चाहिए कि प्रोटीन आप ज्यादा क्वांटिटी में लें, और बेस्ट क्वालिटी का जो ऑल प्लांट प्रोटीन है वो हमको सजेस्ट करते हैं कि इससे ना तो बच्चे का वजन बढ़ेगा बल्कि बच्चा जो है फिजिकली हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, अंडरवेट नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ओवरवेट वाली इसमें कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर मंजू दीक्षित। और मेरा अब अगला सवाल, बड़े अब मजेदार सवाल अब आने वाले हैं, ये तो बड़े कॉमन सवाल थे, ये डॉक्टर मनीष से। डॉक्टर मनीष ये बताइए, अक्सर लोग जब हम लोग न्यूट्रीलाइट की बातें करते हैं तो लोग एक ही चीज कहते हैं कि मार्केट में बहुत सारे और भी फूड सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो मुझे न्यूट्रीलाइट ही क्यों लेना चाहिए जबकि ये कॉस्टली है बाकी प्रोडक्ट से? डॉक्टर मनीष हेलो हेलो डॉक्टर मनीष आपका अनम्यूट कर दिया मैंने, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा ऑडियो। तो ये अच्छा सवाल है डॉक्टर मनीष, आवाज नहीं आ रही है। हेलो आपका ऑडियो बंद है। हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो मेरे डॉक्टर साहब आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। आवाज आ रही है? यस बिल्कुल आ रही है। ओके ठीक है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि न्यूट्रलाइट है क्या। सो देखिए शुरुआत में जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हम लोग को भी बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स कैल्शियम्स ये सब फ्री में मिलते थे, ठीक है। तो मैं अपना एग्जाम्पल उनको बताता हूँ कि देखिए आप तो आपको तो किसी ने रिकमेंड किया है मगर मैं तो जितना चाहूँ उतना मिल जाता था बट फिर भी मेरी सेहत नहीं अच्छी रहती थी। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना उनसे बहुत ज़रूरी है। उनको हम बताते हैं कि हम हर दूसरे दिन सर्दी बुखार जुकाम होता था, सिट्रिजीन खाते थे, पैरासीटामोल खाते थे, थकान होती थी, और जब से मैंने न्यूट्रलाइट लेना शुरू किया, ठीक है, तो मैं ढूंढता था कि हमको कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स मिले, ठीक है। तो हमारे पास हरदम ऑप्शन होता है कि हम कहने के लिए सप्लीमेंट्स खा सकते हैं या रियली में सप्लीमेंट्स खाना चाहते हैं, ठीक है। अगर प्रोटीन खाना चाहते हैं तो हम उसमें केवल नाम के लिए प्रोटीन खाना चाहते हैं या उसमें हम देखना चाहते हैं कि भाई हमको सारे 9 essential amino acids मिल रहे हैं, उसमें लैक्टोज फ्री है, उसमें पीडिका स्कोर जो WHO का स्कोर है वो 1 है जो बेस्ट है, मतलब उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इज मोर देन 98%, है ना। तो ये सब पैरामीटर्स हैं जिसपे हमको देखना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए हमको सबसे बेहतर से बेहतर देना है। तो हम उनसे यही कहते हैं कि भाई देखो आपके पास ऑप्शन है, इफ़ यू वॉन्ट द बेस्ट देन वी हैव द बेस्ट जो हम अपने शरीर के लिए खा रहे हैं। सो अगर हम पर्सनल एग्जाम्पल से उनको समझाते हैं कि भाई हमने जैसे डेली खाना शुरू किया, प्रोटीन खाना शुरू किया, हमारा एनर्जी लेवल एकदम 15-20 दिन में चेंज हो गया। हम रेगुलर विटामिन सी खा रहे हैं, रेगुलर तुलसी खा रहे हैं, रेगुलर ओमेगा खा रहे हैं। तो जब वो सुनते हैं कि हम इतना सब खा रहे हैं देन वो उसको खाने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम उनसे प्राइस पे बहस करें तो वो बहस कोई बहस नहीं होती क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स का हम किसी से कंपैरिजन कर नहीं सकते। जैसे डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम उनसे सिंपल से एक सवाल पूछ लेते हैं कि भाई जो आप खा रहे हो विटामिन्स उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं क्या? तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो उनको फिर बताते हैं कि भाई देखो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप जो है 1 महीना पुराना सेब खाएं
और ताजा तोड़ा हुआ सेब खाएं तो दोनों में न्यूट्रिशन वैल्यू किसमें ज्यादा होगी? तो बताते हैं कि नहीं, ताजा तोड़े हुए में। तो उनको बताते हैं कि भाई देखो, आप नींबू जो खाएं वो एकदम फ्रेश तोड़ के खाएं, उसका टेस्ट और उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, या जो एक डेढ़ महीने पुराना नींबू है उसमें ज्यादा होगा? तो बोलते नहीं, जो फ्रेश है उसमें ज्यादा होगा। तो उनको फिर बताते हैं कि जो हमारा न्यूट्रोलाइट है दैट इज फ्रेश, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है कि हमारा आप डेली खा रहे हैं तो इज एज गुड एज ईटिंग अ फ्रेश क्रॉप, एज गुड एज ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स, एज गुड एज ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स। तब उनको समझ में आता है, येस दिस इज समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे आपको सारे वाइटमिन मिनरल्स मिल रहे हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, एंड हमारे शरीर के लिए अगर हम बेस्ट नहीं खाएंगे तो क्या करें? अगर हम 1500 रुपए की एक शर्ट खरीद सकते हैं तो हम एक डेली क्यों नहीं खा सकते हैं? तो उनको छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताते हैं कि आप जो खा रहे हो पैसा तो खर्चा हो ही रहा है। अगर आप एक गिलास जूस पी रहे हो 30 रुपए का, तो महीने के 900 रुपए तो खर्च हो ही रहे हैं। तो अगर आप एक डेली खाओगे रोज तो 500-550 रुपए ही खर्चे होंगे। तो बेहतर क्या है वो उनको समझाते हैं, और उनको समझ में आ जाता है जब ऐसे 3-4 एग्जाम्पल से आप उनको समझाएंगे। ठीक है, हाँ जी मिस्टर बोस, थैंक यू हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर योगेश हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन है कि मेरा बच्चा खाने में बहुत चूजी है, वो खाना ठीक से नहीं खाता है, तो मुझे उसके ग्रोथ के लिए कौन कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए? डॉक्टर योगेश सर, बच्चे के ग्रोथ के लिए एक्चुअली जितने बच्चे होते हैं वो खाने में बहुत फंसी होते हैं, और ज्यादातर जंक फूड पे ज्यादा वो फोकस करते हैं, जंक फूड खाएं है ना, उनका पेट भर जाए, न्यूट्रिशियस वैल्यू एक्चुअली नहीं होती है। तो नॉर्मली उनको हम लोग प्रमोट करते हैं कि जो किड्स ड्रिंक पाउडर आते हैं उनको देते हैं, चोको ड्रिंक्स वगैरह, मल्टीविटामिन, और कुछ मतलब आप मान के चलिए 70% से ज़्यादा बच्चे आयरन डेफिशिएंट होते हैं, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आयरन उनको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि अब बच्चे को आयरन दो, एनीमिक ना हो, एनीमिक होंगे तो ग्रोथ हैम्पर होगी उनकी। साथ में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उनको देने चाहिए। नॉर्मली बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, या थोड़ा बहुत एक आध पीस खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज इतने रेगुलर नहीं है कि काफी एक सफिशिएंट अमाउंट में फूड खाएं। तो एक कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टैबलेट जो आती हैं उसकी 2 servings पर डे रिकमेंड करते हैं। साथ में ग्रोथ, ये कि ग्रोथ फैक्टर के लिए उसको कैल्शियम देना मस्ट है, टीथ बोन की ग्रोथ के लिए, साथ में वाइटामिन डी जो कि उसके एक इम्यून सिस्टम को भी प्रमोट करता है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई, प्रोटीन हो गया जैसे चोको ड्रिंक, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहा है, बार बार बच्चे बीमार नहीं हो रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादातर आए दिन ये होता है कि बीमार पड़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम उनका वीक होता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल, विटामिन सी बच्चों की किड्स भी आती हैं, और साथ में कैल्शियम विटामिन डी उनको देना चाहिए, साथ में मल्टीविटामिन भी हम लोग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, मल्टीविटामिन बच्चे इतना नहीं लेते हैं, तो ये कुछ जो 4-5 रेंज है प्रोडक्ट्स की इनको रिकमेंड करते हैं, तो ग्रोथ पे उसके इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बोन मास बढ़ता है, उससे मसल मास बढ़ता है, अल्टीमेट ये कि हार्मोनल सिक्रीशन भी बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन भी उससे ज्यादा होता है, तो ये चीज हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं। यस सर, थैंक यू डॉक्टर योगेश। अब मेरा सवाल डॉक्टर शैलेन से है, और ये बड़ा मजेदार और बड़ा कॉमन सा सवाल है। अक्सर लोग ये पूछ बैठते हैं कि मुझे कौन सा फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए, और आप ये कैसे एडवाइस करेंगे? या डॉक्टर साहब, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग आके ये पूछ लेते हैं कि भाई मुझे कौन सा फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए। अरे दोस्तों, वो तो तभी मालूम चलेगा जब आप सामने आएंगे, आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूँ, और इस बात का मुझे गर्व भी है कि जितने भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको इतना जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, इनफैक्ट उनके इतने सेशंस चलते हैं कि वो एकदम इक्यूट हो जाते हैं, इतना नॉलेजेबल हो जाते हैं कि अगर आप उनके पास जाके पूछेंगे तो आपको डेफिनेटली बता सकेंगे कि आखिरकार आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। वैसे ये डिपेंड करता है कि उस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं,
और जब आपको सिम्टम्स बताते हैं तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर या कोई भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर आपको बता सकता है कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और उनकी माँ बड़े मजाक में बनाती है कि मेरा बच्चा जो है वो सीमेंट को खुरच खुरच के खा लेता है, राइट। वो इसको मजाक में बता रही हैं, लेकिन सही माने में हम समझ जाते हैं कि उस बच्चे में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, और ऐसे कंडीशन में अगर उसे किड्स कैल्शियम दे दिया जाए तो वो प्लास्टर खाना बंद कर देगा या मिट्टी खाना बंद कर देगा। इसी प्रकार से कई लोग जो है हम लोग के पास आते हैं, या खासतौर से जैसे डॉक्टर मंजू दीक्षित के पास भी आते होंगे, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, है ना, वो लोग मटके की जो मिट्टी होती है वो खाती हैं, ऐसी शिकायत करते हैं हस्बैंड, खासतौर से जो पहली प्रेगनेंसी होती है। तो सच माने में वो जो खा रही हैं वो अनयूजुअल नहीं है, बॉडी की डिजायर है कि उन्हें एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप लोगों से मुलाकात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हैं कि उन्हें कौन सा सप्लीमेंट दिया जाए या नहीं दिया जाए। वैसे कॉमनली आपको बता दूं, जो हमारे फाउंडेशन सप्लीमेंट्स होते हैं वो सभी लोगों को लेने चाहिए। जैसे कि एक कहावत है कि अगर आप ओपीडी में नहीं जाना चाहते तो आपको पीओडी लेना चाहिए। पीओडी का मतलब हो गया, सबसे पहले आपको ऑल प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए, आपको न्यूट्रलाइट सालमन ओमेगा लेना चाहिए, आपको न्यूट्रलाइट डेली लेना चाहिए, साथ में कैल्शियम मैग्नीशियम और डी जो आता है ये हमारा कैलमेक डी के नाम से, वो आपको लेना चाहिए। और खासतौर से दोस्तों मैंने देखा है अक्सर जो है मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर स्टमक, है ना, जिसे कहते हैं ना पावर हाउस हमारी बॉडी का होता है। तो अगर आप फाइबर और ले रहे हैं डिनर के साथ तो डेफिनेटली नाना प्रकार की जो चैलेंजेस आपके हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मेरा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मंजू दीक्षित से कि मेरा बच्चा का हाइट अभी ये बढ़ नहीं रहा है, अभी 12 साल का है, हाइट इसका नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे इसको क्या देना चाहिए? हाँ, ये ज्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं, अपनी लड़कियों को लेके आते हैं कि इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है और इनको हम क्या दें। तो हाइट के लिए एक्चुअली क्या होता है, जो भी आपका काफी समय से, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जो है खाने को इग्नोर करते हैं, एक जिसको बोलना चाहिए कि न्यूट्रिशनल गैप तो उनको रहा ही है, कुछ चूजी होते हैं खाने में, तो जिसकी वजह से क्या है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अब ग्रोथ 20 साल तक ग्रोथ आराम से बढ़ती है। अगर इस टाइम पे भी अगर हम उनको जो है प्रोटीन उनको सजेस्ट करें कि पीडियो तो देना ही है, प्रोटीन उनको सजेस्ट करें कि प्रोटीन की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, और प्रोटीन में भी बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन हम कहते हैं कि 2 स्कूप मॉर्निंग में, 2 स्कूप बच्चे को इवनिंग में आप दें अगर 12 साल का है, और 1 मल्टीविटामिन डेली टेबलेट उसको खाने के साथ दें, और ओमेगा 3 दें। तो अभी ये टाइम है कि बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसके साथ हम सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को कैलमेक डी सुबह शाम दें, और आयरन भी साथ में एड ऑन कर दें। जब उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से मिलेगा तो नेचुरली उसकी हाइट जो है, अभी बढ़ने का टाइम है, वो हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। थैंक यू डॉक्टर मंजू दीक्षित। नाउ बैक टू डॉक्टर मनीष, और इसमें 2 सवाल है जो मैं एक साथ आपसे पूछूंगा। पहला सवाल है कि मैं तुलसी क्यों लूं इम्यून बूस्ट के लिए, आजकल बताया जा रहा है, जबकि मेरे घर में तुलसी का पेड़ है, बहुत बड़ा है, मैं रोज उसका पत्ता तोड़ तोड़ के खा सकता हूं। पहला। दूसरा सवाल है कि ये मेरे साथ भी हो चुका है कि मेरा बच्चा, प्रोडक्ट में लिखा रहता 12 साल के ऊपर ही दे सकते हैं, मेरा बच्चा 10 साल का है बट बहुत मोटा तगड़ा है, 14 साल का लगता है, तो क्या मैं उनको न्यूट्रलाइट दे सकता हूँ बड़ों वाला जो 12 साल के ऊपर है? डॉक्टर मनीष। आवाज आ रही है होपफुली? ओके, सो पहले तो तुलसी पे आते हैं। सो तुलसी का पेड़ घर में रहेगा, अच्छा रहेगा, पत्ते तोड़ के खा जाएंगे तो झड़ जाएगा, फिर मुश्किल होगा, दूसरे तुलसी लगाना पड़ेगा। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि तुलसी के पत्ते कितने खाने चाहिए ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, उसमें जो कॉन्सेंट्रेट है वो कितना होता है ये भी हम लोग को तो नहीं मालूम। हाँ, जब तक तुलसी लॉन्च नहीं हुई हम भी पत्ते तोड़ के खा जाते थे, मगर आपको मालूम है क्या कि तुलसी के पत्ते में मरकरी होता है, तो ऐसे मरकरी क्या खाना चाहिए, ये भी सवाल है, ठीक है। सो आप कितना भी खा लीजिए तुलसी, 2-4 पत्ते तुलसी खा के एक मन को संतुष्टि दी जा सकती है, इम्यून बूस्टर की तरह नहीं हो सकता। अगर आप सोचिए, जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको तुलसी का काढ़ा पिलाया जाता है, काढ़े में 2-4 पत्तियां होती है,
या बहुत सारी पत्तियां होती हैं, है ना, मतलब बहुत सारी होती होंगी, 100, 200, 300 पत्तियां होती होंगी काढ़े में पिलाने के लिए, तो उसको उबला जाता है, बनाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर डोज देना जरूरी होता है उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जिससे कि उसके सर्दी बुखार जुकाम को ठीक किया जा सके। तो अगर हमको रेगुलर बेसिस पे इम्यून सिस्टम को ठीक रखना है तो 2-4 पत्तियों से शायद काम नहीं चलेगा, ठीक है। पत्ते को, तुलसी को वैसे ही हरा भरा रहने दीजिए घर में, और हमारा सप्लीमेंट लीजिए, इतना जबरदस्त सप्लीमेंट है जिसमें 1 tablet इज इक्वलेंट टू 100 लीव्स ऑफ तुलसी, मतलब जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसको कॉन्सेंट्रेट करके दिया गया है ना। अभी मैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से अगर बात हो रही थी तो वो भी यही कहते हैं कि भाई हम लोग तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको कॉन्सेंट्रेट करने नहीं जानते, तुलसी को सुखा के और पाउडर बना के टैबलेट बना के दे दी जाती है। सो इट्स डिफरेंट, हमारे जो टैबलेट्स है, हमारा जो स्पेशलिटी है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट को कॉन्सेंट्रेट करके उसको लेने की टेक्नोलॉजी है। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप तुलसी जरूर लीजिए, ठीक है, डेली एक तुलसी खाइए कम से कम, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रहे, ठीक है। दूसरा, जो बाथू जी ने बोला कि हमारा बच्चा जो है 12 साल का है, 10 साल का है, लगता 14 साल का है, सो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने अपने छोटे बच्चे को, जो मेरा बेटा, छोटा बेटा है, उसको जो किड्स ड्रिंक है वो उसके बॉटल में 6 महीने से ही डाल के देना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसको जब 4-5 साल का हुआ है तो प्रोटीन भी देना शुरू कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हमको 12 साल का होने का इंतजार करना है कि नॉर्मल ऑल प्राण प्रोटीन तभी देंगे, ऐसा नहीं है। आप प्रोटीन दे सकते हैं, उसकी क्वांटिटी आप जो भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं उसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, कि उसके वेट के हिसाब से, उसके हाइट के हिसाब से उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करिए, क्योंकि ज़रूरत तो वही है, बच्चों की भी ज़रूरत है, बच्चों का तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है, वो लोग ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा उनका दिमाग चलता है। मेरे को अच्छे से ध्यान है, जब मैं न्यूट्रलाइट नया नया लेना शुरू किया था तो मेरे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर आए थे, तो उन्होंने बताया था कि वो अपने बच्चों को सप्लीमेंट्स देते हैं, ओमेगा 3 ऑयल इंग्लैंड से इम्पोर्ट करके देते हैं, और उनके बच्चे बहुत अच्छी हेल्थ में हैं, बहुत अच्छा ब्रेन है, सब कुछ है। सो मेरे को वहाँ से समझ में आया था कि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। हम ओमेगा 3 अगर बच्चा स्वॉलो कर सकता है तो 9-10 साल में भी दीजिए, क्या दिक्कत है, उसकी ज़रूरत है, वो उसके ब्रेन को चाहिए, उसको इतना डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जैसे मैं क्या, ये टॉपिक नहीं है तो इसलिए नहीं जाऊँगा, बट प्रेगनेंट फीमेल्स को भी ओमेगा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन मैच्योरेशन होता है, उसको ओमेगा चाहिए, वो मदर से लेता है, और अक्सर जो है डिलीवरी के बाद मदर चिड़चिड़ी हो जाती है क्योंकि उनको डेफिशिएंसी हो जाती है ओमेगा की। सो बच्चों को बहुत ज़रूरत है, बच्चों को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ज़रूर उनको फुल सप्लीमेंट्स दीजिए, उनको प्रोटीन भी दीजिए, उनको अगर 12 साल के आसपास है बिल्कुल, अगर डेली सॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल डेली दीजिए उनको। बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाइपर है, मेरे घर में भी एक ऐसा ही है, और दिन भर परेशान करके रखता है, तो उसको कैसे शांत करे। तो उन्होंने यही कहा था कि उनको अगर ओमेगा दिया जाए, जो कि बच्चों में भी है और हम लोग का भी है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उसका जो हाइपरनेस है वो किसी रिजल्ट ओरिएंटेड काम में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो एनीवे ये मैंने किसी से सुना था, मैंने आपको बताया, और नाउ नेक्स्ट हमारा चाहिए कम। वैसे डॉक्टर साहब आपको एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपने अपने बच्चों को बचपन से दिया है, तो बच्चों का हाइट कैसा है इस समय? Yes, बहुत डिफरेंस था हाइट का। अभी जैसे मेरा छोटा वाला बेटा है 13 इयर्स का है, तो 5'7" है, तो मेरे से ज़्यादा हाइट है उसकी। और बड़े वाले को हम लोगों ने बाद में सप्लीमेंट दिए, क्योंकि हम लोग पहले बिजनेस में नहीं थे या सप्लीमेंट जानते नहीं थे, तो छोटा वाला पहले से ले रहा है, वो लंबा हो गया है बड़े वाले से। सो
और ये कॉमन चीज मैंने देखी है, अपने जितने भी फ्रेंड्स को भी मैंने प्रोटीन रिकमेंड किया है, प्रोटीन से हाइट बहुत अच्छी आई। हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन देना शुरू किया और उनकी हाइट बहुत अच्छी हुई, उन्होंने कैल्शियम दिया। सो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है शरीर को, जो हम देंगे जो उसका गैप को पूरा करेंगे, जो उसकी नीड्स को पूरा करेंगे, तो शरीर अपने से ही ध्यान रखता है, वो अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लाइक पेड़ है, अगर पेड़ को हम प्रॉपर खाना खाद ना दे, पानी ना दे, न्यूट्रिशन ना दे, उसकी हाइट नहीं उतनी जाएगी या उतना मैल न्यूट्रिशन सा दुबला पतला सा पेड़ होएगा। मगर अगर हम उसको प्रॉपर खाद दे रहे हैं, प्रॉपर पानी दे रहे हैं, प्रॉपर वाइट मतलब जो उसके भी वाइटामिन्स होते हैं पेड़ को दे रहे हैं, बोझी जानते हैं उनके घर में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं, तो पेड़ की ग्रोथ अपने को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। इसी तरह शरीर है, अगर हम शरीर को उसकी जरूरत को पूरा करेंगे तो वो अपने को मैक्सिमम हेल्थ में रखने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन। थैंक यू डॉक्टर साहब। और इससे एकदम सवाल एकदम क्लियर हो गया, आपने क्लियर कर दिया कि बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि अगर मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ा तो दूंगा, बट उस समय एज काफी निकल जाता है, तो ये सारी चीजें आपको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए और शुरू से ही देना चाहिए। और वो हम अपने घर में भी बच्चे देख रहे हैं, और जो भी हमारे बच्चे, हमारे दो लड़कियां हैं और शुरू से ही सप्लीमेंट लिया इन्होंने, और दोनों का हाइट ऑलमोस्ट मेरे करीब है, जबकि मेरा अच्छा हाइट है, 5'10" है, और वो मेरे कान तक पहुंचते हैं, तो अच्छी हाइट है दोनों को मिली है। एनीवे, मेरा अब अगला क्वेश्चन है डॉक्टर योगेश से। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्या जिंदगी भर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर तो इसकी आदत पड़ जाएगी, और कहीं हमने इसको बंद कर दिया किसी कारण तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसके साइड इफेक्ट भी होंगे, और हमारे हमने एक डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि रुक रुक के लेना चाहिए। डॉक्टर योगेश। यस सर। सर हमसे भी ये सवाल होते हैं कई पेशेंट्स के, कई हमारे कस्टमर्स के, तो हम ये कहते हैं कि आप एक चीज बताइए कि खाना कब तक खाएंगे, जिंदगी भर? कहते हैं हाँ, तो मैंने कहा उसकी आदत भी हो जाएगी फिर? कहते हैं हाँ आदत हो जाएगी, अच्छी चीज है। मैंने तो अच्छी चीज ये जो आप खाने में नहीं ले रहे हो, डाइट में नहीं ले रहे हो, वो चीज अभी आप आधी अधूरी डाइट ले रहे हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ले ही नहीं रहे हो, वो चीज हम अच्छी चीज आपकी डाइट को एडप्ट रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आपको खाना जिंदगी भर खाना है, वैसे इसको भी जिंदगी भर खाना है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं होते। तो यही चीज हम रिकमेंड करते लोगों को कि लाइफ लॉन्ग खाइए। मैं खुद 10 साल से खा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? और यही चीज हम लोग रिकमेंड करते हैं सर कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको डाइट को सप्लीमेंट कर रहा है, जो विटामिंस न्यूट्रिशंस आप नहीं ले रहे हो, अमीनो एसिड्स, ओमेगा 3 वगैरह उसमें ऐड अप कर रहा है, और आपकी एक हेल्दी लाइफ आपकी बनाए रखेगा, डिजीज फ्री लाइफ जिसको हम कहते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको जिंदगी भर लेना चाहिए। एक अच्छी आदत उनकी हम डाल रहे हैं, कोई खराब आदत नहीं है सर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर योगेश। नाउ बैक टू डॉक्टर मंजू दीक्षित। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खास करके जब हम लोग उनको बताते कि आप ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, तो वो कहते ये तो बहुत सारे हैं, क्या सारे लेने पड़ेंगे? डॉक्टर ने भी बहुत सारे दे के रखा है, उनको भी लेना पड़ेगा, मैं कैसे इतना लूंगा और मुझे कैसे पता लगेगा क्या लेना चाहिए या क्या नहीं? और खास करके जो वेजिटेरियंस होते हैं, और खास करके जैसे इस एरिया में बहुत सारे वेजिटेरियन, तो वो कहते हैं ये आपके इसमें, खास करके सैल्मन को दिखा के, कि इसमें रेड है तो मुझे क्यों लेना चाहिए इसको, या क्या इसका कोई दूसरा जिसे मैं ले सकूं, इस तरीके का क्वेश्चन। डॉक्टर मंजू दीक्षित। हाँ नमस्कार। ये कह रहे थे कि ज्यादातर प्रेगनेंसी में जो है सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं, तो उसमें माँ और बच्चे की नीड को देख करके अगर वो पहले से कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या ले रहे हैं, कहाँ से आयरन कैल्शियम किस तरह के क्या ले रहे हैं, तो उनको हम बताते हैं कि जो आप ले रहे हैं आयरन और कैल्शियम और प्रोटीन जो भी ले रहे हैं, उससे आपके और आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ज्यादातर हमें देखा है पेशेंट ले रहे होते हैं बट उसके बावजूद भी वो एनीमिक होते हैं और कमजोर होते हैं, और बच्चे उनके ज्यादातर पेट में जो है IUGR होते हैं, लेने के बावजूद भी उनके उनको जो है वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है बच्चों को। तो जब हम उनको समझाते हैं कि नहीं आपको जो है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन लीजिए, उसके साथ में ये सप्लीमेंट्स लीजिए, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स हैं उससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके बच्चे को भी इस समय बेनिफिट होगा और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे,
तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो प्रेगनेंसी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दे, मल्टीविटामिन डेली वो रेगुलरली ले, और ओमेगा 3 हम सजेस्ट करते हैं ताकि प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बच्चे का जो आईक्यू होता है वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय ही उसका 90% आईक्यू उसी समय उसका डेवलप हो जाता है, तो हम लोग 3 महीने होते होने के बाद ही ओमेगा 3 देना शुरू कर देते हैं, मल्टीविटामिन डेली से हम लोग शुरू कर देते हैं देना पेशेंट्स को, क्योंकि बच्चा कमजोर नहीं रहता, नॉर्मल वेट अच्छे उस पर रहता है, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन क्योंकि 1.5 गुना उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो हम लोग कम से कम उसको जो है प्रोटीन 2 स्कूप सुबह और 2 स्कूप शाम को सजेस्ट करते कि आप लो, नहीं ले पा रहे हो बात अलग है, नहीं तो हम लोग बताते कि एटलीस्ट आप 1 स्कूप सुबह शाम तो लेते ही रहें और बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन आप लेते रहें, उसके साथ उनको कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्मेक डी और आयरन साथ में उनको देते हैं हम, कैल्मेक डी और आयरन रेगुलरली, कैल्मेक डी एटलीस्ट प्रेगनेंसी में, वैसे नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी में उसकी थोड़ी डोज बढ़ा देते हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कैल्शियम की, 1000 की जगह 1200-1500 के बीच में रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो हम लोग 1 TDS 3 बार कैल्शियम देते हैं, और आयरन भी नॉर्मली हम 1 देते हैं आयरन, पर अगर हमको लगता है उसका हीमोग्लोबिन 9-10 के बीच में चल रहा है तो हम लोग आयरन भी 5 महीने के बाद सुबह शाम कर देते हैं, इतना बढ़िया चेरी आयरन है, अगर हम पेशेंट को देते हैं आज तक कभी भी कंप्लेन नहीं आई, पेशेंट ने ये नहीं कहा कि आयरन मेरे को हजम नहीं हो रहा है या ये कैल्शियम मुझे दिक्कत हो रही है, इवन पेशेंट 1 TDS भी लेके आए आयरन तब उनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से बढ़ा है, हमने देखा है पेशेंट को इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, 15-20 दिन के बाद हमको अपने आप इम्प्रूवमेंट पता लगता है कि हाँ पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो रहा है, उसके साथ हम लोग उनको पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप जो है कहना चाहिए कि ये बराबर पूरे 9 महीने तक आप बराबर लेते रहें, जैसा कि आपने बताया कि रेड डॉट पे ओमेगा पे जो है पेशेंट्स कभी कभी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें रेड डॉट है तो हम तो वेजिटेरियन है हम इसको क्यों लें, मतलब ये तो नॉनवेज है हम तो नॉनवेज खाते नहीं है, तो हम लोग उनको बताते हैं कि देखिए इट डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, पर आपके भले के लिए, आपके बच्चे के भले के लिए ये ठीक रहेगा कि आप ओमेगा 3 लें, क्योंकि ओमेगा 3 आपको बाहर के सोर्सेज से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि डाइट आपकी इस समय प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो ओमेगा 3 से आपका बच्चा अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा, सुंदर होगा, बढ़िया होगा, जब पेशेंट को हम लोग अपनी भाषा में समझाते हैं, वास्तव में हमने रिजल्ट्स देखे हैं जिनकी डिलीवरी किए, उनके बच्चे वास्तव में बहुत अच्छे, मतलब जिनके बच्चे बड़े भी हो रहे हैं तो वो बताते हैं कि आपने क्या मैडम न्यूट्रिलाइट दिया था, हमारे बच्चे बहुत तेज है, तो हम लोगों को बाद में भी सुनने को मिलता रहता है कि जो न्यूट्रिलाइट बेबी हुए हैं वो सब बहुत अच्छे हुए हैं, तो हम लोग उनको बताते कि देखिए लीजिए आप इसको प्रेगनेंसी के दौरान, आप रेड डॉट्स की कोई बात नहीं है, उसके बावजूद फिर उनको बताते कि देखिए आपने कितनी चीजों में आज तक रेड डॉट और ग्रीन डॉट देखा है, आप जितनी दवाइयां खा रहे हैं कि आपको पता है कि इनकी जो कोटिंग होती है कैप्सूल्स की वो भी जिलेटिन कोटिंग होती है, तो वो भी तो नॉन वेज होता है जो आप लेते हैं, उसके अलावा जो आप आयरन खाते आ रहे हैं, आयरन सिर्फ पीते आ रहे हैं, कैल्शियम टेबलेट जो कैल्शियम कार्बोनेट और ये सब खा रहे हैं, ये भी तो एनिमल रिसोर्स है, उससे बोन से और इससे बनाई जाती है, तो ये आयरन और कैल्शियम जो सिंथेटिक फॉर्म में बनता है वो भी तो एनिमल ओरिजिन से उसका यूज करते हैं ये लोग, तो आपको तब तो नहीं रेड डॉट दिखाई दिया, आप लेते ही रहे इतने दिन तक, जब उनको समझाते तो उनको बात समझ में आती है और वो उसको लेते हैं, और मैंने खुद देखा कि पेशेंट्स के जो बच्चे होते हैं तो बहुत पेरेंट्स से कुछ बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, और बाद में भी बच्चे काफी इंटेलिजेंट और अच्छे ही रहते हैं उनमें, मतलब एक अच्छी ग्रोथ रहती है बच्चों। हेलो, थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक यू डॉक्टर मंजू दीक्षित। अब मैं, हम लोग एंड की ओर आ रहे हैं, हमारा फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद सभी से एक्सपीरियंस पूछेंगे हम लोग। अभी एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा कि आजकल कोरोना वायरस का बड़ा खतरा है, तो उससे बचने के लिए हमें कौन कौन सा न्यूट्रलाइट लेना चाहिए? डॉक्टर शैलेन। या दोस्तों, इस समय हम लोग एक ऐसे अनप्रेसिडेंट समय में हैं कि हमें इस लेखन की बहुत ही आवश्यकता है। आप न्यूज में अगर हो तो एक चीज आप बहुत ही अजीब सी देख रहे हैं कि कई बार जो है वो 90 की लेडी ठीक हो गई कोरोना से, और 100 साल का व्यक्ति भी आराम से ठीक होकर आ गया, और 25-30 साल के बच्चे थे वो डेथ हो गई। तो दोस्तों, कभी आपने एनालाइज करके देखा है, कभी आपने सोचा है, कभी इस पे थॉट दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सच माने में वो तो जवान है,
और वो जो 90 साल के 100 साल के हैं, आप सोचिए वो तो इतने एजेड हो चुके हैं, इतने एज्ड हो चुके हैं, फिर उनकी डेथ क्यों नहीं हुई और जो यंग हैं उनकी डेथ क्यों हो गई? दोस्तों इसका एक ही आंसर है, वो है आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई भी जो वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, वो आके आपको परेशान करने वाला है। तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, मैं बार बार रहा हूं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखिए। अब सवाल ये कि इम्यूनिटी को बूस्टअप कैसे किया जा सकता है? ये दोस्तों कोई एक टैबलेट नहीं है, ये पूरा एक प्रोसेस है। जैसे कि अभी मैं फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल भार्गव को सुन रहा था, जहां पे उन्होंने बहुत सारे केसेस को एनालाइज किया, बहुत सारी रिसर्चेस करी, वहां पे एक चीज निकल के आ रही है कि जो भी लोगों का हीमोग्लोबिन, उनको ये वायरस ज्यादा परेशान कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपका या आपकी फैमिली में जो भी लेडीज हैं उनका हीमोग्लोबिन अगर कम है या किसी का भी हीमोग्लोबिन कम है, तो सबसे पहले आपको इसको चेक करना चाहिए कि उनका हीमोग्लोबिन सही हो जाए। और न्यूक्लाइड चेरी आयरन जो है ये उनको जरूर दीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई कई बार आयरन देने से जो है वो डायरिया शुरू हो जाता है, मैं मानता हूं। मेन चीज ये है कि उसके सोर्सेस क्या है। आप देखिए जो न्यूक्लाइड चेरी आयरन है उसमें फेरस फ्यूमरेट है, और इसका जो सोर्स है वो सरसों के बीज है और साथ में स्पाइनेज, और उसमें भी कंसर्न लिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये बहुत ही सुपाच्य बन जाता है, जो आपकी बॉडी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें विटामिन सी भी है। अब आप कहेंगे विटामिन सी क्यों? दोस्तों आयरन के अब्सॉर्प्शन को विटामिन सी ही प्रमोट करता है, बूस्ट करता है। तो अगर आप विटामिन सी के साथ आयरन ले रहे हैं तो वो आराम से आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है विटामिन सी के कारण क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी फिर से बूस्ट हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आखिरकार क्या कुछ और हमें लेना चाहिए। अभी रिसेंटली आपने अखबारों में देखा होगा, पिछले ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से एकदम बॉम्बार्डमेंट हो गया है, इतनी न्यूज़ आ गई हैं। आईआईटी दिल्ली और अगर मैं आपसे कहूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्री रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जैसे हम AIST जापान कहते हैं, इन्होंने म्यूचुअल रिसर्च करी है और उसमें एक हर्ब को इन्होंने सबसे उम्दा पाया है प्रिवेंशन ऑफ COVID-19, और एक प्रकार से सच कहें तो क्यूरेटिव भी एक प्रकार से, अभी रिसर्च और हो रही है। और ये हर्ब है अश्वगंधा, जिसे हम मेडिकल टर्म में ये भी कहते हैं वाइथेनिया सोमनीफेरा। ये इतना जबरदस्त काम कर रहा है दोस्तों, आपको बताऊं हमारा जो ग्रंथ है, हमारा जो भारतवासियों के आयुर्वेदा है, ये कमाल की चीज है दोस्तों। वो बात अलग है कि इसका इतना रिसर्च नहीं हुआ। सच कहें तो आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में जाके इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। आज देखिए योगा को कोई नहीं मानता था, योगा को सब लोग मान रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है जबरदस्त कर रही है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वसी वाले के जरिए, मेड के जरिए या किसी के भी जरिए आपके घर में वो इन्फेक्शन नहीं आ सकता है। इनफैक्ट आप टहलने गए हैं, आपके शूज के जरिए आ सकता है, आपकी कार के टायर के जरिए आ सकता है, किसी भी जरिए से वो इन्फेक्शन आ सकता है। तो अगर आप नंबर वन अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखें, और खास तौर से जो अश्वगंधा है इसको रेगुलरली दोस्तों लेना शुरू कर दें, और इससे मैं पूरा तरह से होपफुल हूं कि आपको ये इन्फेक्शन नहीं लगेगा, प्रिवेंट होगा। और अगर ईश्वर ना करे ये इन्फेक्शन लग भी गया तो भी बहुत जल्दी ही आप इससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी होगी कि उस इन्फेक्शन को बाहर कर देगी। थैंक यू, ओवर टू मिस्टर बोस। हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तो खत्म कर रहे हैं, बट बहुत सारे हैं, हम लोग आगे ये भी और भी करते रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा हमारे डॉक्टर्स की, कि उन्होंने अपने फैमिली में या किसी के साथ न्यूट्रिशन देने से उनको क्या इसका बेनिफिट मिला। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्टर मनीष से। डॉक्टर मनीष, इसके बेनिफिट तो बहुत अच्छे हैं। मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको कोट करूंगा। पहले तो मेरा बड़ा बेटा जो बहुत वीक था इनिशियल डेज में, और मैं प्रोटीन बहुत ढूंढता था कि अच्छा प्रोटीन मिले मेरे को देने के लिए। एज डॉक्टर्स मेरे को मालूम था कि बाकी प्रोटीन्स में क्या होता है। सो जब ये प्रोटीन मिला और मैंने उनको उसको देना शुरू किया तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मेरी वाइफ डॉक्टर लीना का, उसको बहुत सीवियर स्किन एलर्जी थी, और शायद बोसी ने देखा भी होगा, मिस नन्नी जी ने भी देखा होगा। तो उसको PLA था, पॉलीमॉर्फिक लाइट एडप्शन, काफ़ी सीवियर था, यहाँ पे कट्स हो जाते थे, ब्लीड करता था। और मेरे को अच्छे से ध्यान है कि शायद इस एरिया में सबसे बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर गुरमोहन सिंह, स्किन स्पेशलिस्ट हैं बनारस में। तो उनको हम लोग मिलने गए तो उन्होंने कहा था, जो नॉर्मल क्रीम्स तो दी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे कलर्स के जूसेस पिया करो, रोज जो है 3-4 कलर्स के जूस पिया करो।
तो उसमें समझ में नहीं आता था कि इतने सारे कलर्स के जूस निकाले कैसे कैसे होगा। जब यहाँ पे हम लोग आए और हम लोग को सप्लीमेंट्स मिले, डेली मिला, और स्पेशली कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स CFV, जो हमारा जो है अल्टीमेट एंटीऑक्सीडेंट है, और जब उसने वो लेना शुरू किया और प्रोटीन लेना शुरू किया और विटामिन सी, तो एकदम चेंज हो गया। ऊपर से आर्टिस्ट्री लगाना शुरू किया, तो आज की तारीख में उसको सन में जाती है, अम्ब्रेला लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ड्रामेटिक चेंज है। और थर्ड, अपना भी ले सकता हूँ कि हम लोग को बहुत ज़्यादा सर्दी बुखार जुकाम, अल्टरनेट डे हम लोग दवाई लेना, सिट्रिजिन लेना, सप्लीमेंट लेने से ही सब छूट गया। ऑलमोस्ट हर महीने एंटीबायोटिक्स लेते थे, अभी तो एंटीबायोटिक्स बहुत रेयरली, कभी कभार हो सकता है लेना पड़े, नहीं भी लेना पड़े। जब होता है हल्का सा जुकाम भी हुआ तो विटामिन सी की डोज बढ़ा दी, तुलसी की डोज बढ़ा दी, वसाका ज़्यादा ले लिया, सब ठीक हो जाता है। सो दिस इज अ कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन हम ये कहेंगे, और हम रिकमेंड करेंगे सबको कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर करिए, केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। और फोकस जरूर करिए फाउंडेशन सप्लीमेंट्स पे। डॉक्टर शैलेंद्र ने बहुत सही कहा कि अश्वगंधा है और तुलसी है, बहुत सारी चीज़ है, बट मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि फाउंडेशन जरूर स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग अभी डेली नहीं खा रहे हैं, क्योंकि डेली में सब कुछ है। कुछ लोग मेरे से कहते हैं जिंक चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कुछ चाहिए, कुछ लोग कहते हैं विटामिन सी चाहिए। मैंने कहा भैया डेली ले लो, उसमें सब कुछ है, पहले वो खाओ, ऊपर से तुलसी खाओ, ऊपर से अश्वगंधा खाओ, प्रोटीन। सो फाउंडेशन सप्लीमेंट प्रोटीन डेली, ओमेगा, कैल्शियम जरूर लीजिए, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, और आज के टाइम में डेफिनेटली तुलसी लीजिए, अश्वगंधा लीजिए, अपने को हेल्दी रखिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर वनीश, बहुत अच्छी तरह से आपने सारे सवालों का जवाब रखा, और मैं चाहूंगा कि सारे लोग भी और भी एक्सपीरियंस बताएं। तो डॉक्टर मंजू दीक्षित, आप भी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं हमारे इन प्रोडक्ट को लेके। डॉक्टर मंजू दीक्षित, आपका ऑडियो ऑडियो को अनम्यूट करिए। ऑडियो नहीं हुआ? हाँ आ रहा है स्क्रीन में, हेलो। हाँ आ रही है आवाज। तो हम लोगों ने जब न्यूट्रलाइट हमारे घर में आया बिजनेस में, तो उस समय जब हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत अपने और अपने बच्चों की की, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग किस तरह से पहले दोपहर में आराम करते थे या बैठते थे या थकान महसूस करते थे, जब से हम न्यूट्रलाइट हम लोग लेने लगे तो हम लोग काफी एनर्जेटिक हो गए, और पता ही नहीं लगता है अब तो हम लोग इतने एक्टिव रहते हैं। पूरी फैमिली जो है बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइट ले रही है, कोई जरूरत नहीं होती है कि किसी को भी कोई तबीयत खराब हो या कुछ हो। जैसा डॉक्टर मनीष बता रहे थे कि सबसे पहले तो हम लोगों को फैमिली में ही अपने इम्प्रूवमेंट हुआ कि हम लोगों को काफी बेटर हेल्थ हो गई, बहुत अच्छे से हम लोग फिट हो गए। और मेरा बेटा, जो दोनों बच्चे मेरे MBBS कर रहे हैं, दोनों न्यूट्रलाइट लेते हैं। मेरा बेटा भी वे प्रोटीन और ये सब सारी चीजें लेता है, मेरी बेटी भी सारे न्यूट्रलाइट के सारे प्रोडक्ट यूज करती है, तो हम लोग पूरी फैमिली यूज करती है। तो इससे हम लोगों को ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छे से फेथ था, तभी उसके बाद में फिर हम लोगों ने लोगों को रिकमेंड किया कि आप लोग भी लें। तो हम लोगों ने जिन जिन को भी बताया अपने एक्सपीरियंस, तो वो लोग भी ले रहे हैं। और एज ए डॉक्टर, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं गायनी में, तो मेरा वहां पे बहुत सारे मरीजों को देखने का मौका मिलता है। तो वहां मैंने देखा कि एक हमारे पेशेंट थे जिसके आंखों पे स्पॉट्स थे वाइट, तो वो अक्सर हमको दिखाने के लिए आती थी, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे क्लोज थी, अक्सर आती रहती थी। तो उसकी शादी होने वाली थी, उसने कहा कि मेरे ये जो है व्हाइट स्पॉट किसी तरह से कम हो सकते हैं। तो मैंने उस समय उसको विजन हेल्थ दिया, मैंने कहा विजन हेल्थ लो, डेली लो, ये सब लो, ओमेगा दिया। तो जब उसने विजन हेल्थ ये सब रेगुलरली लेना शुरू किया, उसके दो तीन महीने के बाद शादी थी, तो उसका करीबन 50% से ज्यादा जो व्हाइट स्पॉट थे वो गायब हो गए थे आइस से। और जब उसकी शादी थी तो वो कहने लगे कि आपने ऐसी चीज दी है कि मेरे बिल्कुल आंखें ठीक हो गई। तो जो वो दाग से पड़े थे आपके प्यूपिल के ऊपर, वो बिल्कुल एकदम ठीक हो गए। वहीं से मुझे लगा कि विजन हेल्थ इतना जबरदस्त काम करती है। मैंने तो उसको ये समझ के दिया था कि शायद इसको आराम मिल जाएगा, कि उसका एक पेशेंट है मेरी, बट उसको उसके व्हाइट स्पॉट्स उससे गायब हो गए, उसकी शादी होने वाली थी। और आज भी वो आती है मेरे को दिखाने, उसके बच्चे मेरे हाथ से हुए हैं, बस सब बच्चे भी सब न्यूट्रलाइट बेबी हैं और सब बहुत अच्छे हैं। तो न्यूट्रलाइट का फेथ वहीं से हुआ कि जब उसने कहा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत न्यूट्रलाइट की वजह से है। तो ये पूरी फैमिली को फेथ हो गया न्यूट्रलाइट के ऊपर।
दूसरा मैं अनुभव बताती हूँ अपना कि उपाध्याय जी के जो हमारे हमारे जिसको बोलना चाहिए हमारी अपलाइन है, हम उनका रिकॉर्ड करते हैं काफी, और उपाध्याय जी की बहू की डिलीवरी मेरे ही हाथ से हुई थी। तो उनके जो है कहना चाहिए कि बहू जब 6-7 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, PGI में दिखा रही थी, तो उनके बच्चे के पेट में तक दोनों किडनी में स्पॉट्स थे, दोनों किडनी में स्पॉट्स थे। तो उपाध्याय जी मतलब आए थे साथ में, तो हम लोगों ने कहा कि आप कुछ मत करिए, बस ओमेगा बढ़ा दीजिए, और एक ओमेगा डेली ले रहे थे, 1 TDS ओमेगा उन्होंने 1 महीने कर दिया। और 1 TDS ओमेगा के बाद में जब वो 8 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए या PGI दिखाने के लिए गए, तो वो बच्चे के जो व्हाइट स्पॉट्स किडनी में आ रहे थे, जिसके लिए थोड़ा सा ये हो रहा था कि बच्चा कैसे क्या होगा, वो आज बिल्कुल ठीक ठाक है बच्चा, और स्पॉट्स भी गायब हो गए। और बल्कि PGI वालों ने कहा भी कि आप लोगों ने इसको क्या कैसे क्या खाया जिसकी वजह से बच्चे की किडनी नॉर्मल दिखा रहा है, स्पॉट्स गायब हो गए हैं। तब ये मतलब ये हम लोगों का अनुभव है, आप कभी भी पूछ सकते हो उपाध्याय जी से। और तीसरा मैंने ये देखा है कि बहुत एनीमिक पेशेंट्स आते हैं, कई बच्चे IUGR होते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली ऑल प्लांट प्रोटीन उनको बोतल चढ़वाएंगे भरे आकर के एक हफ्ते में बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए, उससे बेटर है हम लोग उनसे कहते हैं कि आप ये प्रोटीन आप बढ़ा दीजिए और डेली शुरू कर देते हैं, ओमेगा देने लगते हैं। तो मैंने देखा कि बच्चों का इतना तेजी से वेट अच्छे से नॉर्मल हो जाता है, जैसे वो IUGR कमजोर चल रहे हैं पेट में, और डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा था, बहुत जल्दी कवर होता है उस टाइम पे वेट। और चौथा हम लोगों का एनीमिया में जब पेशेंट, जैसा अभी डॉक्टर शैलेंद्र बता रहे थे कि नेचुरल रिसोर्सेज से आप दे दो, बहुत जिसको बोलना चाहिए बायो अवेलेबिलिटीज की बहुत ज्यादा है, 100% मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है किसी को, पेशेंट को आप नॉर्मली आप पालक और ये सब खाने को बोल दो तो उसको डायरिया हो जाएगा कि भाई खून बढ़ाने के लिए आप पालक खाओ, चुकंदर खाओ, ये खाओ, पेशेंट खा नहीं पाते। पर जब हम लोग ये चेरी आयरन पेशेंट्स को देते हैं, मैंने तो 1 TDS चेरी आयरन दिया पेशेंट्स को, जरूरत ही नहीं पड़ी है कि उसको आयरन की इंजेक्शन लगवाएं या IV आयरन चढ़ाएं। 15 दिन बाद जब बुलाते हैं और हीमोग्लोबिन कराते हैं तो उसका हीमोग्लोबिन कम से कम 1.5-2 ग्राम बढ़ जाता है, इतना इतना मतलब जबरदस्त इफेक्ट होता है। तो ये हम लोग डेली पेशेंट्स में नोट करते हैं कि कितना असर होता है, पेशेंट भी जिसको बोलना चाहिए कि आज तक मेरे पास कोई ये नहीं कहने के लिए आया कि आप जो ये दे रहे हैं इससे मुझे कोई दिक्कत है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी को भी न्यूट्रलाइट की वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, इवन पेशेंट्स को एलर्जी होने लगती है, कई बार क्या होता है खुजली शुरू हो जाती है, तो उस समय ये हो जाता है कि हम लोग कैसे क्या करें, लीवर फंक्शन थोड़े से डिक्रीज कर जाते हैं। तो उस समय हम लोग मिल्क थिसल भी देते हैं ना, क्या उनको बोलते हैं कि आप लीजिए इसको 1-2 टाइम्स डेली भी देते हैं, तो उनको 1 हफ्ते में ही आराम मिल जाता है, तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं जो भी है। तो हम लोग पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं तो बहुत अच्छा ही सुनने को मिलता है, हमें आज तक तो कोई कंप्लेन करने के लिए नहीं आया, भले अफोर्डेबिलिटी कम होती है वो बात अलग है, पर नहीं 4 लेते तो 2 लेते हैं, बट पेशेंट यूज करते हैं और सेटिस्फाइड है। थैंक यू डॉक्टर मंजू दीक्षित, आपने बहुत अच्छा लोगों को आश्वासन दिया कि उनको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अब मैं आता हूँ डॉक्टर शैलेन, आप भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, उसके बाद डॉक्टर योगेश। डॉक्टर शैलेन, या दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं अनुभव से पहले कि मैं आपको लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा आखिरकार न्यूट्रलाइट ही क्यों आपको लेना चाहिए। देखिए हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग इतनी आसानी से तैयार नहीं हुए दोस्तों, एक वाइड हिस्ट्री जब हम लोगों ने देखी तब जाके समझ में आया कि यार ये वाकई बहुत कमाल की चीज है। जैसे कि आपको बताऊं कि आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल में कि न्यूट्रलाइट इज द नंबर 1 फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये नंबर 1 क्यों हो गया ये आपको जानने की आवश्यकता है। क्यों दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में, सोचिए 86 ईयर्स हो गए। आई थिंक ये सेशन जितने भी लोग अटेंड कर रहे होंगे, आई थिंक ये क्या 2 लोग ही होंगे जो 86 ईयर से ऊपर होंगे, न्यूट्रलाइट उससे भी ज्यादा पायनियर है। इसके अलावा जो खास बातें हैं वो मैं आपको बताऊं। देखिए आज की डेट में अगर हम लखनऊ में सेब उगाएंगे तो क्या उगेगा, तो जो भी हर्ब्स हैं या जो भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं वो वहां से लिए गए हैं जहां की जलवायु में उसे उगना चाहिए। जैसे कि 6,500 एकड़ जो फार्महाउसेस हैं वो हमारे अपने हैं। अब यहीं पे अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि फ्रॉम वेयर द क्वालिटी स्टार्ट, ये सवाल मैं कई लोगों से पूछता हूं, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल, लेकिन न्यूट्रलाइट दोस्तों एक डेप्थ और जाता है, वो कहता है फ्रॉम सॉइल। दोस्तों अगर आप मिट्टी को जो देंगे वही तो मिट्टी आपको लौटाने वाली है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम मिट्टी को कुछ दे पा रहे हैं। और न्यूट्रलाइट फार्महाउसेस में अगर हम गौर करके देखें
तो वहां पे सबसे पहले कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाता। अब आप कहेंगे जब पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाता तो आखिरकार कीट कैसे मरते हैं, तो वहां पे एक कीट यूज किया जाता है जिसे हम लेडी बग कहते हैं। आप इसको जरा सर्च करिए गूगल में, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो बुरे इंसेक्ट को एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें कोई पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट जो न्यूट्रलाइट फॉर्म्स में जो पानी भी आता है वो पहाड़ों से पिघल के आता है दोस्तों, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, फुल ऑफ मिनरल एंड ऑल दैट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हर्बिसाइड यूज नहीं किया जाता, तो ऐसे कंडीशन में हम अर्थवर्म को यूज करते हैं। अर्थवर्म आप याद करिए, जो पुराने किसान होते हैं वो हमेशा आपको बताएंगे कि ये जो केचुआ होता है, जो अर्थवर्म होता है, वो किसानों का मित्र होता है, और ये मिट्टी को क्या करता है, भुरभुरा कर देता है, और भुरभुरा करने के कारण जो प्लांट की जड़ें हैं वो नीचे तक जाती हैं, और नीचे तक जाने के कारण वो मिनरल्स को अच्छी तरह से अवशोषित कर पाती है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल होता है, शिप डंग का इस्तेमाल होता है, सॉइल टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है, और खास तौर से क्रॉप रोटेशन, जो इस समय कमर्शलाइजेशन के कारण लोग भूल चुके हैं क्रॉप रोटेशन, जिसके कारण काफी समय तक खेतों को खाली रखा जाता है, सो दैट सॉइल में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो उन्हें प्लांट को देनी है। और इसके अलावा एक जो थीम है न्यूट्रलाइट का, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, फ्रॉम सीड टू सप्लीमेंट। ये खास बात है दोस्तों कि पौधे से लेकर जमीन से लेकर सप्लीमेंट तक सब कुछ न्यूट्रलाइट ही देखता है, बीच में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं है, इसीलिए हम क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप साइंटिफिकल एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आप बिलीव करेंगे इस बात का, वी आर हैविंग 200 साइंटिस्ट, बिलीव करिए, सही में कहें तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के पास भी इतने साइंटिस्ट नहीं है जितने न्यूक्लाइड के पास साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा 500,000 टेस्ट होते हैं साल में दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर मिनट एक टेस्ट होता है जो कि न्यूक्लाइड की क्वालिटी को एंश्योर करता है। इसके अलावा कुछ चीजें आपको बताऊं कि सिलेक्शन ऑफ राइट फॉर्म हाउस, सिलेक्शन ऑफ राइट पार्ट, सिलेक्शन ऑफ राइट इंग्रेडिएंट, राइट सीड, राइट एक्सट्रैक्शन, राइट स्पीसीज, राइट प्रोसेस, ये सारी चीजें मिलके कहीं आपको एक राइट प्रोडक्ट देती हैं दोस्तों। तो अंदाजा करिए, हेल्थ एक ऐसी चीज है जिस पे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा था आप सब कुछ उधार ले सकते हैं दुनिया से, लेकिन एक चीज आप उधार नहीं ले सकते, वो है आपकी सेहत। अब अनुभव की अगर बात करूं तो दोस्तों आपको क्या पता, आई एम सो ब्लेस्ड, पिछले 15 सालों से मेरे परिवार का मेडिकल बिल ऑलमोस्ट जीरो है दोस्तों। मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब हमारे परिवार में बुखार भी आया था, and thank God we are the Nutralite user, कि हम लोग Nutralite को बिल्कुल दबा के यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं, इससे हम लोग की इम्यूनिटी अच्छी है, इस कारण हमको कोई भी केमिकल्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अब एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा जिसके कारण मेरी जिंदगी दोस्तों हेल बन चुकी थी। आज से 15 साल पहले रेणुका मेरी वाइफ, शी इज सफरिंग विद माइग्रेन, और आप बिलीव नहीं करेंगे हर तीसरे दिन उसको माइग्रेन हो जाता था, उसके कारण इतनी ज्यादा वॉमिटिंग्स होती थी, बाइल इतना ज्यादा निकलता था। इनफैक्ट डॉक्टरों, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं तो तमाम डॉक्टरों से एसएस है, मैंने तमाम डॉक्टरों को उनको दिखाया, लेकिन इसका इलाज कुछ हो नहीं पा रहा था। होता क्या है, जब माइग्रेन होता है दोस्तों तो जो स्टमक वॉल्स हैं वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसके कारण जो मेडिसिन है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाती, एक ही तरीका बचता है कि हमें इंजेक्शन देना पड़ता है। लेकिन जब मैंने उसको न्यूट्रलाइट मिल्क थ्रिसल देना शुरू कर दिया फाउंडेशन न्यूट्रलाइट के साथ, चमत्कार हुआ दोस्तों। बीइंग ए डॉक्टर मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये मिल्क थ्रिसल इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है, और आज की डेट में पूरी फैमिली बहुत खुश है, क्योंकि मेरा ये मानना है और मैं सैल्यूट करता हूँ सारी लेडीज को कि हम लोग बीमार पड़ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक लेडी बीमार पड़ गई तो दोस्तों पूरा घर बीमार हो जाता है, क्योंकि मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, राइट। तो ऐसी कंडीशन में पूरे घर की सेहत एक लेडी के हाथ में होती है, और आई एम सो ब्लेस्ड, आज रेणुका को अगर माइग्रेन अटैक आता भी है तो कहीं 3-4 महीने में एक बार आता है, और सच कहें तो वो बहुत ही माइल्ड होता है, और अब माइग्रेन आजकल बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। तो मैं एमवे में क्यों आया, आप समझ गए होंगे कि मेन चीज है ये जो न्यूट्रलाइट है, ये दोस्तों चमत्कार है। और मैं आपको फिर रेकमेंड करना चाहता हूं, अगर आप अपना मेडिकल बिल जीरो करना चाहते हैं तो रेगुलरली न्यूट्रलाइट का सेवन शुरू करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, और बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस रहा इससे। और अभी मैं लास्ट मीटिंग अटेंड कर रहा था तो उसमें भी बताया गया था कि लेडीज अगर बात बात पे आप पे गुस्सा करे, ये हस्बैंड लोगों के लिए है, अगर आपके लेडीज घर में बार बार आपके ऊपर गुस्सा करे तो मान के चलिए उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, और जब भी हीमोग्लोबिन लेवल कम होंगे तो वो चिड़चिड़े होंगे। तो अगर आपको उनसे बचना है तो उनको प्रॉपरली हीमोग्लोबिन को उनका बढ़ाएं, उनको जैसे डॉक्टर मंजू दीक्षित ने कहा उनको बढ़ाएं, उनका हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा, आप भी खुश रहेंगे। फाइनली मैं आता हूं
डॉक्टर योगेश आप भी अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं। ओवर टू डॉक्टर योगेश। यस सर, सबसे पहले तो हमारा एक्सपीरियंस घर में ही बता रहा हूँ कि हमारे बेटे को सीवियर एलर्जी हार्डली रहा होगा 2-3 साल का, तो डिफरेंट पेडियाट्रिशियंस को स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, वो उसको एंटी एलर्जिक्स देते थे, सुबह अलग एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक रात में अलग देते थे, इवन स्टेरॉइड्स भी बीच बीच में देने पड़े काफ़ी हैवी डोजेस में, तब एलर्जी कंट्रोल होती थी उसकी। चेहरा स्वेल्ड अप हो जाता था, लिप्स स्वेलिंग हो जाती थी, रैशेज बिल्कुल आर्टिकुलेट रैशेज को हम लोग कहते हैं, है ना, इतनी प्रॉब्लम की टेंशन होने लगती थी। एंड थैंक्स टू न्यूट्रोलाइट, जब से न्यूट्रोलाइट आया तब से हम लोग ने उसको देना शुरू किया, और खासकर हम कहेंगे कि इसमें एक बायोसी आता था पहले, अब नेचुरल सी आता है, तो बायोसी की वजह से उसमें ड्रामेटिक चेंज हुआ, उसके एंटी एलर्जिक्स जितनी थी सब बंद हो गई हैं, और वेट गेन उसका हो गया अल्टीमेटली, क्योंकि ये तक स्टेरॉइड्स उनको देने पड़े मुझे काफ़ी बीच बीच में कंट्रोल करने के लिए, तो साइड इफेक्ट्स भी उसके काफ़ी हुए। तो टचवुड अब उसका जितने भी सप्लीमेंट्स न्यूट्रोलाइट के आए, किड्स रेंज पहले कम आती थी, जैसे जैसे एडअप होती हम उसको एडल्ट्स वाली देते थे, किड्स रेंज जब आई तो एडअप कर दी उसकी, रेगुलरली उसको देते रहे, तो एट प्रेजेंट वो हार्डली 6 महीने भी नहीं लगे होंगे, मुश्किल से 3-4 महीने लगे उसका कंट्रोल होना शुरू हो गया, और टचवुड अब उसका एलर्जी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। सेकेंड एक्सपीरियंस मैं अपना आपको बताता हूँ, जैसे डॉक्टर मनीष अभी बता रहे थे पैरासिटामोल का, जब लोग प्रैक्टिस में थे न्यूट्रोलाइट लेने से पहले, तो महीने में 20 से 25 दिन मेरे को टायर्डनेस फटीग सा हो जाता था, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में हम लोग को ये था कि पैरासिटामोल या निमिसलाइड लेना पड़ जाता था, सभी डॉक्टर्स लेते होंगे, तो इन मेडिसिन के भी ठीक है, फीवर तो हमारा डाउन हो गया, फटीगनेस कम हो गई, लेकिन साइड इफेक्ट्स अल्टीमेटली वो लीवर डैमेज कर रहे हैं, किडनी डैमेज कर रहे हैं, कुछ उस चीज हम लोग जानते थे उसके साइड इफेक्ट, लेकिन अवेयर इतने नहीं थे। लेकिन टचवुड जब से न्यूट्रोलाइट आया है हमने लेना शुरू किया, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, मे भी हो सकता है मैंने 10 पैरासिटामोल खाई होंगी, 10 ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं खाई, लेकिन 1 साल में खाली होगी, ठीक है, तो थैंक्स टू न्यूट्रोलाइट, है ना। और बाकी एक्सपीरियंसेस ये हैं कि अपनी मदर को हम देते हैं, 80 ईयर्स की हैं वो, है ना, सब सप्लीमेंट्स उनको हम लोग देते हैं, क्योंकि इस समय सीजन भी कुछ ऐसा चल रहा है, फादर थे उनको भी देते थे, सब फैमिली मेम्बर्स को हम लोग देते हैं। अल्टीमेटली सर मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि आज के जो डॉक्टर्स हैं वो उनका फोकस है इलनेस इंडस्ट्री पे, और हम लोग काम कर रहे हैं इलनेस एंड वेलनेस इंडस्ट्री दोनों पे, हमें थोड़ा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए एक आम पब्लिक में भी और डॉक्टर्स के लिए भी, कि हम उनको एजुकेट करें, क्योंकि हम लोग इससे रिलेटेड हैं, न्यूट्रोलाइट से रिलेटेड हैं, उसके बारे में नॉलेज है हमें, हम जानते हैं कि क्यों न्यूट्रोलाइट इज द बेस्ट, तो हमें डॉक्टर्स को भी एजुकेट करना चाहिए कि आप वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ फोकस करो, इससे वर्ल्ड हमारे कंट्री इकोनॉमी बहुत इंप्रूवमेंट होगा, मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी। तो हमेशा हम यही फोकस करते हैं कि जो हमारे कोलीग्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी हम रिकमेंड करते हैं, और कई डॉक्टर्स ले रहे हैं हमारे जानने वाले, कई डॉक्टर्स हालांकि जल्दी वो एग्री नहीं होते हैं, जैसे डॉक्टर लोग अभी बता रहे थे कि वो ही कहते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें सब आता है, हम तुम्हारी क्यों सुने, तो हम कहते हैं आप 10 मिनट हमें टाइम दो, आपको समझ आए तो आप लोग, नहीं समझ आए ना लो, जब वो सुनते हैं उसको, एक्चुअली ये नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है सप्लीमेंट्स की, कि किसकी डेफिशिएंसी क्या चीज हो रही है, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस वो भूल चुके हैं, वो कहीं उनके बैठ गई दिमाग में बहुत पुरानी, जब हम लोग ने पढ़ा होगा तब की, तो उनको भी हम लोग अवेयर करते हैं न्यूट्रोलाइट के बारे में, और यही हमारा एक्सपीरियंस रहा है अच्छा, कि कई लोगों ने लेना शुरू किया, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस अपने लोग बताते हैं कि हमारा जो जो भी प्रॉब्लम थी, फटिगनेस थी या कोई प्रॉब्लम हो रही है, उससे हम काफ़ी दूर हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, और लास्टली हम यही थैंक्स करेंगे न्यूट्रोलाइट को, सर को जो अपॉर्चुनिटी दी हमें बोलने के लिए, थैंक्स वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर योगेश, और थैंक्स टू ऑल डॉक्टर्स, आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर मनीष, डॉक्टर शैलेन, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर मंजू दीक्षित, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह आपके सामने वो सारी बातों को रखा, और मुझे लगता है कि आज आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे, और क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर होगा ये हम लोग ने यूट्यूब में हम लोग ने इसको